प्रणाम आदरणीय महाराज जी धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी बागेश्वर धाम के आए हैं हमको कृपा करने के लिए। बैठिए ना, आप बताइए ना, बैठ जाओ। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, बरसाने वारी की जय। अभी हम राधा कुंड पर हैं, राधा कुंड पे, राधा दामोदर धाम स्थान पर। और आज पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री बद्रीनाथ वाले बाबा, पूज्य श्री 108 श्री बालकदास जी महाराज, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह, जिनका मार्गदर्शन इस दास को बहुत दिनों से प्राप्त हो रहा, सहज बस स्वभाव बस आप श्री प्रिया जी के बहुत से निकट हैं। और हम भी आज बाबा के चरण में दंडवत करने को आए हैं, संपूर्ण ब्रजवासियों के चरण में प्रणाम करके एक ही कहना है कि देखो भाई, अपनी धरती, अपना राज, हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूर्ण हो, ऐसे ब्रजवासी संकल्प लेकर के आगे बढ़े। निश्चित रूप से हमारा ब्रज परिक्षेत्र तो संरक्षित और संरक्षित है ही है, ब्रज की भक्ति और तपस्या से समूचा भारत और समूचा विश्व भी सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। इसी मंगल कामना से राधा कुंड के इस पावन तीर्थ दामोदर धाम मंदिर के इस भूमि की रज को मस्तक पर लगाकर आप सबको पुनः कहेंगे, आओ कुछ दिन तो गुजारे ब्रज के भाव। महाराज जी, आप आज वृंदावन आए, प्रमुख संतों से भी यहाँ मिले, क्या उद्देश्य रहा आपका? श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, बाके बिहारी लाल की जय। मूलतया जो है, ब्रज से हमारा खूब प्रेम है, बहुत स्नेह है, ब्रज के संतों का, ब्रजवासियों का बड़ा आशीर्वाद है। तो ब्रज, जब भी हमें लगता है कि अपने जीवन में खालीपन आ रहा हो, और जिंदगी में इस भारत में पूरी दुनिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगे कि थोड़ा खालीपन लग रहा है, तो भरने के लिए प्रेम से, रस से, आशीर्वाद से, भक्ति से, तो ब्रज दौड़े चले आना चाहिए। उसी भाव से हम आज श्री धाम वृंदावन आए। तो कहाँ कहाँ महाराज जी आप गए? बरसाने भी गए, पूज्य श्री विनोद बाबा बाबा महाराज के भी दर्शन भए, और प्रियाकांत जू मंदिर भी गए, सुदामा कुटी भी गए, यमुना महारानी को भी प्रणाम किया, अनेक महापुरुषों को प्रणाम किया। महाराज जी, पिछले दिनों भोपाल में एक कार्यक्रम में आपने दीप नंदन महाराज जी के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण की बात को उठाया था, आह्वान किया था जी, तो उसमें क्या रणनीति है आपकी, जबकि अभी मामला कोर्ट में? ये अभियान तो बहुत पहले उठ जाना चाहिए था, बस देर से उठा, ये दुर्भाग्य है, लेकिन अब उठाओ बहुत जल्दी। सनातनी हिंदू जग रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, जैसे अयोध्या में भगवान श्री रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, इस अभियान के साथ अब मथुरा में भी, ब्रज में भी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का बहुत जल्दी भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। तो महाराज जी, ये हिंदू राष्ट्र की आप लगातार जो मांग उठा रहे हैं, इसमें आपको क्या फायदे लगते हैं जो एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में नहीं लगते? देखिए, हिंदू राष्ट्र में फायदे ही फायदे हैं, घाटा तो कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, संस्कृति सुधरेगी, संस्कार सुधरेंगे, समान नागरिकता होगी, जातिवाद के नाम से ये जो राजनीति बार बार की जाती है और आपस में गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है, यह गृह युद्ध की स्थितियां हमेशा के लिए विराम हो जाएंगी। और हमारा भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब तक भारत में हमारे वेद शास्त्र की परंपरा की शिक्षा पद्धति लागू नहीं होगी, और हमारे हिंदू राष्ट्र में, हमारे हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इसके अनेक फायदे हैं। ऐसे मान के चलो कि मणि आ जाने पर कोई पूछे कि भाई घाटा क्या है, ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से घाटा क्या है। हमें लगता है जिस प्रकार मणि के आने से सब कुछ फायदा है, वैसे ही भारत को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है, तो सर्वत्र फायदे ही फायदे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।